अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपनी रूफ टॉप पर, जहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन मुझे आपको ऊपर लाने का और दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने लगाया है लेमन ग्रास का प्लांट। ये है हमारा लेमन ग्रास, जिसमें से मैं कुछ लीव्स कट कर नीचे लेके जाऊँगी और फिर इससे हम आज बनाएंगे लेमन ग्रास टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथी मंजिल पे प्लांट लगाकर रोज़ लेमन ग्रास लेके आने से तो वेट वैसे कम हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। आप लेमन ग्रास टी पिएं और साथ कम से कम आधा घंटा की एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें, जो कि तेज़ी से आपका वेट कम करेगी। सिर्फ चौथी मंजिल पर आके लेमन ग्रास तोड़ के ले जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो हम छत से लेमन ग्रास तोड़ के ले आए हैं और उसको लाने के बाद मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके और उसकी कटिंग करके प्लेट में रख लिया, ये देखें आप। और ये दो या तीन दिन किचन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसे ढक के रख दें बास्केट में, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ड्राई हो जाएगा और फिर इसको आप सेव कर सकते हैं और जब चाहे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग इसके फ़वाद के बारे में नहीं जानते हैं। लेमन ग्रास का मिजाज गर्म खुश्क होता है। लेमन ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट और बहुत से कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास एंटी फंगल खसूसियात भी रखता है। लेमन ग्रास में विटामिन ए, बी, सी और फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब विटामिन पाए जाते हैं। लेमन ग्रास का इस्तेमाल हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक से भी हमें बचाता है। लेमन ग्रास इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना कम होगा, इतने ही कम चांसेस होंगे दिल की किसी बीमारी में मुब्तला होने के। स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने एक गिलास पानी यानी कि डेढ़ कप पानी लिया, ताकि ये इतना पक जाएगा तो एक कप रह जाएगा हमारे पास। पानी को उबलने दें और इसमें जैसे पानी गर्म होना शुरू होगा तो हम तकरीबन एक चम्मच लेमन ग्रास इसमें डालेंगे। चलें, ये पानी गर्म हो गया और हमने इसमें एक चम्मच लेमन ग्रास, मैं फ्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मार्केट से लें वो भी ठीक है, या उसको सेव करके रखें ड्राई करके तो वो भी ठीक है। अब हमने इसमें यह डाल दिया और इसको पकने देंगे अच्छी तरह उबल जाए। ये देखें, लेमन ग्रास और पानी उबल रहा है। अभी थोड़ी देर में इसका लेमन ग्रास का लाइट सा ग्रीन कलर आ जाएगा पानी में। लेमन ग्रास में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसीलिए आप लेमन ग्रास जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। लेमन ग्रास आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। लेमन ग्रास के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ख़ासकर जिनकी ऑयली स्किन है वो लेमन ग्रास को ज़रूर इस्तेमाल करें, या आपकी स्किन के मुख्तलिफ मसाइल का खात्मा करता है। और ये देखें, अच्छी तरह उबल चुका है और लेमन ग्रास ने अपना ग्रीन कलर भी छोड़ दिया पानी में। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको कप में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, हमारी लेमन ग्रास टी तैयार है। कलर कितना खूबसूरत आया है इसका और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें एडिशनल लेमन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर लें। लेमन ग्रास का एक बहुत अहम फ़ायदा ये है कि आपके जिस्म में जो फालतू वाटर वेट होता है, ये उसे कम करने में मदद करता है, उसे ख़त्म करता है। बहुत से लोग जो डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न कम नहीं होता, जो हो सकती है वो वाटर वेट है। इसलिए जब आप लेमन ग्रास इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी बॉडी में फालतू पानी होता है जिसकी वजह से वज़न कम नहीं होता, लेमन ग्रास उसको कम करता है। इस तरह आप मोटापे का शिकार हैं या फिट रहना चाहते हैं तो लेमन ग्रास ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा लेमन ग्रास हमारी बॉडी के अंदर जो सूजन होती है उसको ख़त्म करता है और मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है, और ख़ास तौर पे मुंह की बीमारियों से भी, मुंह के मसाइल से भी आप लेमन ग्रास यूज़ करके बच सकते हैं। अगर आप लेमन ग्रास को चबाते हैं तो ये आपको कैविटी से बचाता है और मुंह की बदबू से भी बचाता है। लेमन ग्रास के इस्तेमाल से रेड ब्लड सेल का इजाफा हो जाता है आपकी बॉडी में, खून की कमी दूर हो जाती है, ये आपके मैदे की हिफाजत करता है, मैदे को बहुत से मुख्तलिफ मसाइल से बचाता है,
और जिस्म से फालतू फाजल मादों को खारिज करता है और आपके जिस्म की सफाई करके जिस्म की सफाई करता है और आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेमन ग्रास में ज़बरदस्त किस्म की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। लेमन ग्रास की टी आप रोज़ाना इस्तेमाल करके कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज से बच सकते हैं। लेमन ग्रास टी को आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, एक तो सुबह नहार मुँह भी कर सकते हैं और रात को खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी, लेकिन खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। हेल्दी खाएं, खुश रहें और खुशियां बांटें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।